सब्सक्राइब करिए करियर वॉकर को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका टेक ज्ञान के एक फ्रेश एपिसोड में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है व्हाट्सएप सर्विस, अब उसी से जुड़ी कुछ तत्व बताने की आपको कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू की है। बैंक ऑफ बड़ौदा व्हाट्सएप के जरिए खाते की बैलेंस की जानकारी, मिनी स्टेटमेंट, चेक स्टेटमेंट इंक्वायरी, चेकबुक रिक्वेस्ट, डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने और प्रोडक्ट व सर्विस के बारे में सूचना जैसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ए.के. खुराना ने बताया, सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच यह सर्विस शुरू की गई है। हमारा मानना है कि व्हाट्सएप बैंकिंग के जरिए ग्राहकों को काफी सुविधा मिलेगी, वो अपने बैंकिंग जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। आपको बता दें, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बैंकिंग सेवाएं सातों दिन 24 घंटे उपलब्ध होंगे। इसके लिए अतिरिक्त एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे लोग जो बैंक के ग्राहक नहीं है, वो भी इस प्लेटफॉर्म की मदद से बैंक के प्रोडक्ट, सर्विस ऑफर, एटीएम और शाखा के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें, व्हाट्सएप पर बैंकिंग फैसिलिटी एक्टिवेट करने के लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, सेव करना होगा। यह बैंकिंग सर्विस एंड्रॉइड और एप्पल दोनों फोन पर उपलब्ध होगा। आपको बता दें, इस सर्विस को लॉन्च करने का मकसद बैंक की डिजिटल मौजूदगी को मजबूत बनाना है। इसके जरिए बैंक अपने ग्राहकों के साथ उन्हें भी सेवा पहुंचाना चाहता है जो उनके ग्राहक नहीं है। अब कैसे करना है आपको एक्टिवेट, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रही है, आपको सिर्फ करना है उसको सेव अपने फोन में, व्हाट्सएप को ओपन करना है, वहाँ पे इस नंबर पे हाय भेजना है। इसके बाद आपकी सेवा एक्टिवेट हो जाएगी। इसी तरह लेटेस्ट टेक न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।